ये वाला आप ड्राई स्किन पे ले सकते हो एम्ब्रॉयलिस का, ठीक है, इनमें कितनी लेयर्स होती है, ठीक है। वेट वाइप्स आपको अपने साथ रखने हैं, ये होते हैं वेट। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो कैसा लग रहा है मेरा आज का मेकअप आप लोगों को? बेसिक सा सिंपल मेकअप, बहुत सटल मेकअप है। आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रहे हो, पार्टीज कर रहे हो या फिर आप कॉलेज भी जाते हो तो आप इस तरह का मेकअप कर सकते हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अभी मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी, ठीक है, फ्रॉम द ब्रांड ऑफ पैक PAC, ओके। दिस इज अ पोर प्राइमर। प्राइमर इतना लेना है आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। देन इसको अप्लाई करेंगे, ओके। देखेंगे आप यहाँ पे, देखो एक शाइन थी वो जा चुकी है, ठीक है। पोर प्राइमर ने क्या करा है, एक स्मूथ कैनवस देगा, ठीक है, स्किन पे जो पोर्स थे उसको ब्लर आउट करेगा। देखो चली गई शाइन, ठीक है। अब मैं आपको यहां दिखाती हूँ, ठीक है, हो गया ब्लर। बाकी का जो भी आपके हैंड्स में बच जाता है वो आपको पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है, अपना लिड्स, अपना, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर लेना ताकि पोर्स में अच्छे से फिल हो जाए, ठीक है। अब प्राइमर क्या वर्क करता है, ठीक है। प्राइमर जो होता है हमारे स्किन और मेकअप के बीच में एक लेयर बनाता है, ठीक है, जिससे कि जो भी मेकअप होता है वो डायरेक्ट हमारे स्किन में नहीं जाता है। इसलिए प्राइमर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक तो, और प्राइमर लगाने से हमें स्मूथ बेस मिलता है, स्मूथ कैनवस मिलता है, ठीक है। स्मूथ बेस रहेगा तो आपका जो फाउंडेशन है वो स्मूथली ग्लाइड हो जाएगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, प्लस वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। इसलिए प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्राइमर को लगाना है आपको, स्किप कभी भी नहीं करना, तो प्राइमर ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे फेस पे जो भी शाइन थी ना वो रिमूव हो चुकी है, स्मूथ कैनवस मिल चुका है मेरे फेस को, ठीक है। जबकि मेरी स्किन प्रॉब्लमैटिक है, अगर स्किन प्रॉब्लमैटिक नहीं है तो मेकअप एक नंबर फ्लॉलेस बनेगा आपका जो मेकअप है, वो बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ। स्किन का अच्छा होना भी मेकअप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप बहुत सारे इंस्टा के रील्स देखते होंगे, मेकअप वीडियोज देखते होंगे, वो जो एकदम ब्लर आउट दिखा देते, एकदम फिल्टर वाली स्किन दिखाते हैं ना, स्किन पर पिंपल थे पहले, स्कार्स थे, ठीक है, डेड स्किन थी, और आफ्टर ये वाला है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये सब उसको स्मूथ करके दिखाते हैं आपको। अब क्यों फूल बनते हो मुझे समझ नहीं आता। अभी हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर फाउंडेशन, ठीक है। हमारा, मेरा स्किन जो है वो ऑयली स्किन है, तो मैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन यूज़ करूँगी, और वैसे भी अभी समर टाइम है तो स्वेटिंग वगैरह होना इज़ वेरी कंपल्सरी, ठीक है। तो हम अभी मैट फाउंडेशन यूज़ करेंगे। आपका स्किन अगर नॉर्मल है, गर्मियों में तो ये होता है कि जो ड्राई स्किन भी होती है ना वो नॉर्मल पे आ जाती है, कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, ठीक है। ड्राई स्किन समर टाइम पे, जैसे अभी मानसून सीजन है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी रहती है, तो ऐसी स्किन जो होती है वो इस टाइम नॉर्मल हो जाती है, तो आप मैट फाउंडेशन ले सकते हो। बट जो मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करोगे बहुत अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करना, ओके, जो आपके फेस को हाइड्रेट रखे, ऐसा मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, आपको लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना है। आप मेकअप से पहले क्लाइंट को या फिर खुद के सेल्फ मेकअप में भी आप लिप्स को भी हाइड्रेट करेंगे, उसके लिए आपको एक लिप बाम लेना है, ठीक है। तो आपने लिप्स भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिए, जब तक आप मेकअप खत्म करेंगे तब तक आपके जो लिप्स है वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाएंगे। हम कोई कलर करेक्टिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आपको सिर्फ एक बेसिक सा मेकअप बता रही हूँ मैं, ठीक है। लाइक आप BB और CC या फिर लैक्टोकैलामाइन भी यूज कर सकते हो। अभी मैं ये फिटमी के फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, ठीक है। फिटमी के मैं ये फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, इनको मिक्स मैच करूंगी बिकॉज ये दोनों ही मेरे शेड में ही है।
तो वन पंप में इसका ले रही हूँ एंड वन पंप में इसका लूंगी। देन इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी देखो ये अभी भी मेरा शेड नहीं है, ठीक है, स्किन से थोड़ा सा डार्क है ये। हाँ बट ये जो मेरा पिगमेंटेशन है ना इसको बहुत अच्छे से हाइड कर देगा, ये देखो। देखा आपने बहुत अच्छे से इसने हाइड कर दिया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा फेयर मिक्स कर रही हूँ अपना शेड बनाने के लिए। ठीक है, अब ये मेरा शेड है, ये देखो। बहुत अच्छे से लाइट हैंड से आपको ब्लेंड करना है, आपको ऐसे करके ऐसे नहीं करना है, बहुत लाइटली आपको ब्लेंड करना है। आईज पर भी मैं सेम लगा लूंगी क्योंकि मैंने जैसे कि कहा बहुत ही बेसिक सा सिंपल करना है। आप बीबी और सीसी भी ले सकते हो, ठीक है। आपकी स्किन पर कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन स्किन टोन है तो आप बीबी यूज़ कर सकते हो, और पिगमेंटेशन है, ब्लैमिशेस वगैरह है तो आप सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो। दोनों में से कुछ यूज़ नहीं करना है तो आप लैक्टोकैलामाइन यूज़ कर सकते हो। ड्राई स्किन है तो आप ग्रीन वाला ग्रीन लैक्टोकैलामाइन यूज़ करना, और ऑयली स्किन है तो आप पर्पल वाला यूज़ करना। नॉर्मल है तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आईज़ को अगर आपने हाईलाइट करना है, थोड़ा सा ब्राइट दिखाना है तो आप थोड़ा सा फेयर ले सकते हो, ठीक है। इतना सा लिया है मैंने, बस कोई कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं अभी। वन डॉट, वन डॉट, वन डॉट, वन डॉट और ये वन डॉट, ठीक है, इतना इनफ है। देख रहे हो कितना ब्राइट हो गया अलग से ही। उसी एरिया पे ही आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। अभी हम आईज को भी ब्राइटन अप कर लेते हैं। दिख रहा है आप लोगों को डिफरेंस? हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। कोई भी क्रीम प्रोडक्ट, लिक्विड प्रोडक्ट हम लगाएंगे तो हम उसको पाउडर से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम अभी कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हैं और हम लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पाउडर ले रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं फेस पर जहां जहां पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहां पे मैं इसको लगा रही हूँ। सेम मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। अपर लिड्स भी मैं इसी से सेट कर रही हूँ। ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो डे टाइम के हिसाब से मैं बहुत लाइट सा और सेटल सा ही रखूंगी। मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, दिस वन। सारे काम मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही करूंगी। हल्का सा स्माइल करना है। ठीक है, थोड़ा सा नोज पर, मम्मा, इसे, नहीं इस पे,
आपने ओवर लाइन नहीं करनी है, बहुत नेचुरल रखनी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है सेंटर से, और नीचे वाला आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। देन आगे आपने हल्के हल्के स्ट्रोक्स बना देने हैं, हल्का हल्का फिल कर देना है और कुछ नहीं। लिप्स के ऊपर जो लिप बाम अप्लाई किया था उसको रिमूव कर लेंगे। लिप बाम मैंने रिमूव कर लिया है, और ये मैं मिस क्लेयर का सॉफ्ट मिस क्लेयर का लिप क्रेम यूज कर रही हूँ। शेड तो इसमें से मिट चुका है ऑलमोस्ट। बेसिक सा ही लिप लाइनर ड्रॉ करेंगे, वो आपके ऊपर है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं, ठीक है। बट मैं इस वीडियो में अप्लाई करके दिखा रही हूँ, वरना मैं सिर्फ मस्कारा अप्लाई करती हूँ। और देन मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। सो डैट वॉज इट फॉर टूडे वीडियो। आई होप यू गाइज आर एंजॉयड अ लॉट। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना जिनको मेकअप करना बहुत पसंद है। सो या टिल देन बाय बाय।